व्हाट्सअप गाइस, कहाँ हम सपने ले रहे थे कि फाइनल में पाकिस्तान को हराएंगे और आज हम सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए। आज रौनक की वीडियो है, देखते हैं टूटा फाइनल जीतने का सपना। इंग्लैंड 10 विकेट से हराया। मैं कहूँगा कि बहुत ही मतलब असाधारण मतलब मैं कहूँगा बहुत ही बॉलिंग में मतलब इफेक्टिवनेस नहीं दिखी। दिन खराब कह लो, कुछ कह लो, लेकिन दिल बहुत टूटा है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर करते हैं बात। एक दो पॉइंट्स मैं कहूँगा, अगर आप लोग एग्री करते हो तो उसके बारे में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे, लाइक वन टू थ्री, लेट्स गो। ये T20 क्रिकेट कोई क्रिकेट थोड़ी ना होता है यार, असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है। दिल टूटा है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। वर्ल्ड कप स्पेशल नहीं बोलूंगा क्योंकि वर्ल्ड कप तो हमारा क्या हो गया राहुल जी, खत्म। और यही सब टूचिया बात बोलकर मैं अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हूँ कि T20 क्रिकेट बेकार है, हमारा नेशनल खेल हॉकी है। इलॉन मस्क मुझसे ब्लू टिक के पैसे नहीं लेगा, एलियन आएंगे तो उनको दोस्त बना लूंगा। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि मेरा लाइफ कैसा हो गया। कंगना, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। फिर से वही कहानी बेन स्टोक्स। लीग मैच में हम सबसे बढ़िया टीम होते हैं। इस वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया अकेली ऐसी टीम है जिसे सेमीफाइनल में 8 पॉइंट के साथ एंट्री मारी। लेकिन देखो, अब हम बाहर बैठे और 6 पॉइंट के साथ अंदर घुसा पाकिस्तान फाइनल खेलेगा। भगवान, तुम्हारे घर में मुझको देर भी लग रही है और अंधेर भी। 9 सालों से इंतजार कर रहा हूँ, ट्रॉफी जीतेंगे। इतनी शिद्दत से पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो आज IAS बन गए होते। और बनने से याद आया, हमने अपने बंदे को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनवाया। ऋषि भाई, बेन स्टोक्स को एक फोन ही कर लेते यार, इतना लूटा है तुमने हम लोगों को, तुम्हारा म्यूजियम भरा पड़ा है हमारे सामानों से। सेमीफाइनल में लूटना जरूरी था। हटाओ यार, बोलने का मन तो है नहीं, लेकिन चलो आपको मैच का हाल बता ही देता हूं। और ये जो मेरे मजे लेने के लिए सूची लिख रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है ये बहुत ही यूजलेस स्टैट है। जी हाँ, इस स्टैटिस्टिक्स को कोई फायदा नहीं है। कल पहले सेमीफाइनल की जो पहली पारी थी उसमें न्यूजीलैंड ने पहली गेंद पर चौका मारा था, उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी पहली गेंद पर चौका मारा था अपनी पारी के। और फिर आज इंडिया की भी शुरुआत ऐसे ही हुई, KL राहुल ने पहली गेंद पर चौका मार तो दिया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने हमारी उम्मीद मारी है। 6 रन के स्कोर पर अपना विकेट दे गए। कोहली भाई को इस पूरे वर्ल्ड कप में बिल्कुल ओपनर जैसा ही फील हुआ होगा, क्योंकि उन्हें एक दो ओवर के अंदर ही आना पड़ता है। खैर, कोहली आ तो गए लेकिन न तो उनसे शॉट लग रहे थे न ही रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा तो इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें अनन्या पांडे का स्ट्रगल अच्छा लगने लगा। 28 गेंदों में 27 बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए तो हमें उम्मीद थी कि सूर्या भैया कमाल करेंगे, लेकिन जब उनका विकेट गिरा तब हम समझ गए कि लॉकी के लॉ लग गए। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव का इम्पैक्ट आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनका आउट होना फाइनल स्कोर में 20 रन की कमी कर गया। कोहली के पास रीबिल्ड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने 40 में 50 बनाए और डेथ ओवर में जाकर आउट हुए। लेकिन भाई साहब, पहली पारी में महफिल लूटी है हार्दिक पांड्या ने। दिखा दिया पांड्या भाई ने कि पंत और KL राहुल पांडान हैं, हार्दिक ही आने वाले असली कप्तान है। मतलब उन्होंने इतने कड़क शॉट्स लगाए कि भारतीय सरकार से अपील है कि अब कस्टम ड्यूटी पर हार्दिक जितनी भी घड़ी लेकर जाए उन्हें जिंदगी में कभी रोका ना जाए। वो चाहे करण जौहर के शो पर कॉफी पिए, चाहे अनुराग कश्यप के शो पर जाकर निहारी कुलचा खाएं, उन पर कभी बैन नहीं लगना चाहिए। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आने वाले गुजरात इलेक्शन में पार्टी कोई भी जीते, मुख्यमंत्री हार्दिक पांड्या को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। मित्रों, वही है असली गुजरात मॉडल। पांड्या की 33 गेंदों में आई 63 की वजह से इंडिया 168 बनाने में कामयाब हुई। जवाब में इंग्लैंड की टीम जब खेलने आई तब ऐसा लग रहा था कि ICC वालों ने पिच बदल दी है। वो बिल्कुल ऐसे ही रन बना रहे थे जैसे हम चाहते थे कि हमारे बल्लेबाज बनाए, और हमारे गेंदबाज बिल्कुल वैसे ही बॉलिंग कर रहे थे जैसा हम चाहते थे उनकी गेंदबाज बॉलिंग करे। एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने मिलकर जो तुड़ाई चालू करी है ना बाबा भाई, मारा उन्होंने एडिलेड में और सूजी हमारी दिल्ली नोएडा में। शुरू से ही 10 की रन रेट लेकर ये दोनों खेले हैं, फिर इन्होंने ब्रेक मारी नहीं है, मारी है तो बस हमारी। जॉस बटलर ने जो कहा था, मैं पर्सनली देखूंगा कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल न होने पाए, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। पर्सनली उन्होंने इसको देखा, 49 में 80 रन बनाया उनके साथ एलेक्स हेल, 47 में 86 बनाकर नॉट आउट खेलकर वापस गए भाई। और दोनों को बस एक ही बात का दुख हो रहा होगा कि अगर इंडिया वाले थोड़े और बना लेते तो दोनों की सेंचुरी हो जाती। इंग्लैंड ने 10 विकेट की भारी भरकम जीत हासिल करी है, वो भी 24 गेंदे रहते। इंडिया वाले मेलबर्न की जगह मुंबई वापस आ रहे हैं, जबकि संडे का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। अब जख्म खुरेटने का तो कोई शौक है नहीं हमको, लेकिन मैच का डिटेल एनालिसिस कल सुबह कर ही लेंगे। आपका दिल तो टूटा है, जिसका टूटा है लिख देना। और दुख तकलीफ होती है वो तो सूजी है तो चलो एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन आज के मैच में एक तो कोहली और एक पांड्या, इनकी बैटिंग के अलावा मेरे को लगता कोई पॉजिटिव चीज़ हुई। बॉलिंग तो ऐसा लगा कि जैसे कि हम उनको प्रैक्टिस करवाने आए हैं, और काफ़ी खामियाँ थी। जैसे अश्विन ने
अगर आप लोगों ने मैच देखा हो जिसने भी, अश्विन ने काफ़ी कैरम बॉल्स डाली जहाँ की उनको थोड़ा ऑफ स्पिन, हर भजन भी बात करते ऑफ स्पिन ज़्यादा डालनी चाहिए थी, उनको अच्छा भी मिला था, एक दो ऑफ स्पिन जब डाली तो उनको अच्छा बाउंस भी मिल रहा था और स्पिन भी हो रही थी। और अगर बात करूँ अक्षर पटेल ने भी आज इतनी असरदार बॉलिंग नहीं करी, काफ़ी तेज डालने की कोशिश करी विकेट बल्कि स्लो थी तो थोड़ा सा स्लो डालते, थोड़ा ऊपर खिलाते, छोटी बॉलें डाली, छोटी पे खाए छक्के। और बाकी उनके बैट्समैन ही, मुझे लगता है कि जब उनके बैट्समैन इतनी अच्छी बैटिंग करती तो हम यही कह सकते हैं यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर गलती हुई। लेकिन टू बी फ्रैंक, एलेक्स हेल्स और जॉर्ज बटलर ने एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग करी है और उस वजह से हमारी बॉलिंग साधारण लगी है। बहुत ही ऐसा लगा कि मस्ती चल, ऐसा लगा मस्ती नहीं, ऐसा लगा कि जैसे हम पहली, हम कोई अंडरडॉग्स हैं, मतलब अंडरडॉग्स नहीं, जैसे कि एग्जांपल बहुत ही छोटी टीम खेल रही है, लेकिन इसी टूर्नामेंट में मतलब सारे मैचेस इंडिया ने ऐसे खेले कि अलग ही लेवल की टीम हो, लेकिन आज एक दिन ऐसा लगा कि बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही साधारण रह गया, जबकि ऐसा भी नहीं था, उन्होंने बैटिंग ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दी और कुछ भी इंडिया के फेवर में नहीं हुआ, कोई चांसेस नहीं मिली कि जिसमें विकेट ले सकें। और मुझे एक चीज़ लगती है कि ऋषभ पंत जो है आने वाले टाइम में ओपन करेंगे, मुझे एज एन ओपनर ऋषभ पंत को मैं देखना चाहूँगा, एज एन ओपनर, ना कि पाँचवें छठे नंबर पर जहाँ की सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर जाए कि वो मारे। वो बहुत अमेजिंग प्लेयर ऋषभ पंत और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम ऋषभ पंत को एज एन ओपनर अगर ट्राई करते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल वहाँ पर हो सकते हैं। हार्ड हिटिंग कैपेबिलिटीज़ है, पावर प्ले का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत ही मेरे को लगता है उस पोजिशन में उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है और दुख हुआ है तो हुआ है, लेकिन यहाँ से मूव ऑन करेंगे तभी आगे का भी सोच सकते हैं। आज का दिन था ही नहीं मुझे लगा, और बहुत अच्छा लगता है इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, लेकिन अब पाकिस्तान वाले इस टाइम पे बहुत खुश होंगे। अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो बता देना भैया कितने खुश हो तुम लोग, इंडिया में तो दिल टूटे हैं, टीवी नहीं टूटेंगे, किसी के पास वैसे ही बंद पड़ा होगा तो वैसे ही तोड़ के डाले, हम टीवी नहीं तोड़ते हैं। ये कि टीवी रहा भैया, हम टीवी नहीं तोड़ सकते, पैसा नहीं हमारे पास कि टीवी तोड़े हम, जस्ट बिकॉज मैच हार के हार जी चलती रहती है, लेकिन क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टीम बहुत ही बेकार है, यही टीम है जो जिताते भी आई है, टेबल टॉप भी खरा नहीं था आज का दिन, तो हो जाता है कई बार आपके लिए एक ही सेटबैक होता है और वही बाहर करता है, जैसे सेमीफाइनल से फाइनल का सफर हमारा यहीं पर रुक गया और वही वाली बात है, मेलबर्न की जगह मुंबई आ रहे होंगे वापस, कोई नहीं, टीम है अपनी यहाँ तक सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया, करते रहेंगे। और पॉजिटिव विराट कोहली, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, बॉलिंग में जिन बॉलर्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं पूरे टूर्नामेंट में, एग्जांपल टूर्नामेंट से पहले भूवी को कर रहे थे हम कहते हैं कि हमारे पास बॉलर्स नहीं है अच्छे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो देखो ना आज भूवी ने मेडिंग ओवर्स भी डाले, अश्विन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग, शमी ने भी अच्छी करी, सब ने करा, लेकिन वही वाली बात है कि आज के दिन पे ऐसा लगा कि हम बॉलिंग थोड़ी सी, मैं बॉलिंग थोड़ी सी खराब नहीं हुई, वो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी और हमारी थोड़ी सी प्रेशर ले गए हमारे प्लेयर, मुझे कहीं ना कहीं लगता है प्रेशर ले गए सेमीफाइनल गेम का। बाकी आप लोगों ने पॉइंट बता सकते हो, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।